हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शो करने वाली हूँ सटल ग्लैम लुक। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी फॉरएवर 52 की कंसीलर पैलेट ऑन द आईज। नेक्स्ट मैं मॉर्फी जैकलिन हिल आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी आउटर कॉर्नर पे और क्रीज एरिया पे, और मैं इसको ब्लेंड करती रहूँगी जब तक थोड़ा सॉफ्टनेस नहीं आ जाता आईज पे। हम दूसरी साइड पे भी सेम करेंगे, आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड और क्रीज एरिया में ब्लेंडिंग, और इसको अगेन तब तक ब्लेंड करते रहेंगे जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाता। नेक्स्ट हम इसको पैट डाउन करेंगे आईज के ऊपर, इनर कॉर्नर से लेके आउटर हाफ एरिया तक। इसको ऑल द वे तक नहीं लेके जाएंगे हम, बेसिकली हम इसको सिर्फ 3/4 एरिया में अप्लाई करेंगे। आई शेडो पैलेट में सेकेंड रो में नंबर 1 वाला शेड है जो हम यूज़ कर रहे हैं आईज पे। अब मैं लूँगी अपना फेवरेट जेल लाइनर जो है इंग्लॉट नंबर 77, और मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का लाइनर ब्रश, और इसको मैं बहुत स्मूथली अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डार्क है ये। एक्चुअली में मेरा सबसे फेवरेट वाला आईलाइनर जेल आईलाइनर है। इसको आप नीचे बॉटम में भी लगा सकते हो अपने आईज़ में, ऊपर भी लगा सकते हो, एंड इसकी कंसिस्टेंसी और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ये काफ़ी डार्क है। और बेस्ट पार्ट है इसका, आप हुडेड आईज़ हो या कोई भी टाइप की आई शेप है, आप उस पर ये ईजिली लगा सकते हो। अब मैं यूज़ कर रही हूँ अर्बन डिके का मिडनाइट काउबॉय, जो कि है एक जेल फॉर्म में ग्लिटर पेन। तो आप इसको आईज़ पे लगा सकते हो, बहुत आराम से आपने इसको लगाना है, और मेक श्योर करना है कि आईज़ बंद रहे, बिकॉज़ ये गीला होता है तो आईज़ खोलेंगे तो सारा ऊपर लग जाएगा। तो इसको मेक श्योर करो आईज़ बंद रहे एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक, एंड आपने क्रीज तक इसको लगाना है। आपने अब डुओ की आईलैश ग्लू लेनी है और अपने आईलैशेस पे लगाना है। मेक श्योर ज़्यादा मत लगा देना, नहीं तो ऊपर नीचे चिपक जाएगा। सो मेक श्योर कि आप ये ठीक क्वांटिटी में लगा रहे हो। इसको थोड़े सेकंड्स के लिए ड्राई होने देना, एंड आपने इसको आउटर कॉर्नर से लेके इनर कॉर्नर तक आईज पे चिपका देना है, एंड सेम स्टेप आपने दूसरी आईज पे भी रिपीट करना है। हम थोड़ा सा कंसीलिंग करेंगे अब दोनों आईब्रोज के नीचे। मेक श्योर करना आप इसको ब्लेंड करो। नेक्स्ट आप आईब्रो फिल करोगे यहाँ पर। मैं यूज़ कर रही हूँ एनेस्थेसिया बेवरली हिल्स का आईब्रो पोमेड जेल, ये कि जेल कंसिस्टेंसी में है जो कि वाटरप्रूफ है। आपने इसको इसलिए यूज़ करना है ताकि हॉट वेदर में ये उतरे ना। अगर आप आई शेडो यूज़ करोगे बहुत जल्दी उतर जाएगा। सो आपने यूज़ करना है जेल बेस, जिससे बहुत देर तक टिका रहेगा एंड अच्छी फिनिशिंग भी आ जाती है इससे। हमारा नेक्स्ट स्टेप अब आता है स्किन केयर। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ओसी ग्लो की अंडर आई ब्राइटनिंग क्रीम, जो कि अंडर आई को इंस्टेंट ब्राइटनेस करेगी, पफिनेस, डार्क सर्कल्स के लिए भी हेल्प करेगी। आपने इसको दोनों आईज़ के नीचे लगाना है। आप इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग में यूज़ कर सकते हो। ये मेरी फेवरेट आई क्रीम है। नेक्स्ट अब मैं यूज़ करूँगी ग्लो सिरम। आप वाटर क्रीम भी पहले यूज़ कर सकते हो या ग्लो सिरम, कोई भी पहली चीज़ यूज़ कर सकते हो। इसका इफेक्ट है, अगर आप चाहते हो आपका मेकअप ज़्यादा देर तक टिका रहे, इट वर्क्स एज अ प्राइमर एंड ऑल्सो इट हेल्प्स विद पिगमेंटेशन इन द स्किन। मेक श्योर करना आप इसको ऑल ओवर द फेस लगा रहे हो इवनली। अब आपने यूज़ करना है ओसी ग्लो का ही वाटर क्रीम, जो कि एक मॉइस्चराइज़र है एंटी एजिंग के लिए, एक्ने कंट्रोल के लिए,
हाइड्रेशन के लिए एंड पोर कंट्रोल के लिए। आपने इसको भी ऑल ओवर द फेस लगाना है। आप इसको पहले भी लगा सकते हो सीरम से या बाद में भी लगा सकते हो। मेक श्योर करना आप फुल फेस पे अच्छी तरह मसाज कर रहे हो और नेक पे भी लगा सकते हो इसको। अगेन आप इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग में यूज़ कर सकते हो। अब हम लेंगे डार्क ऑरेंज कंसीलर जो कि फिर 52 की पैलेट में से मैं ले रही हूँ। बेसिकली मैं इसको लगाऊंगी अंडर आई एरिया, लिप्स के पास, जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन डार्क सर्कल्स है हमने वहाँ पर कलर करेक्शन करनी है ऑरेंज कंसीलर से। इस पार्ट के बाद अब हम आते हैं सीधा फाउंडेशन पे। हम यूज़ करेंगे हुडा ब्यूटी का चाय फाउंडेशन जो कि मेरा फेवरेट फाउंडेशन है। वन लेयर चाहिए इसके लिए, ज़्यादा लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है एंड द फिनिशिंग कम्स आउट एक्सीलेंट। आपने इसको ऑल ओवर द फेस लगाना है एक बफिंग ब्रश के साथ। अब हम यूज़ करेंगे नाज का कंसीलर जो कि हम हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करेंगे अंडरनीथ द आई एरिया और नोज़ को। ब्लेंड एंड ब्लेंड। रेयर ब्यूटी का क्रीम ब्लशर यूज़ करेंगे अब हम। इसको हम टेम्पल्स ऑफ द चीक पे लगाएंगे एंड नोज एरिया पे एंड इसको हम डाउनवर्ड्स ब्लेंड करेंगे। क्रीम ब्लशर से एक बहुत नेचुरल फिनिशिंग आती है फेस में रादर देन पाउडर। एंड अब हम यूज़ करेंगे लॉरा मर्सिया का ट्रांसलूसेंट पाउडर टू सेट द फेस। उसके बाद हुला का कॉन्टोर विच इज़ फ्रॉम बेनिफिट कंपनी। ऑल ओवर द फेस वी आर गोइंग टू कॉन्टोर नोज एरिया, जॉ लाइन, फोरहेड। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे आई शेडो पैलेट में से एक पीच कलर का आई शेडो लेंगे जो कि हम अंडरनीथ द आईज लगाएंगे। हम कोई इस लुक में काजल पेंसिल नहीं लगाएंगे और हम कुछ भी डार्क आई शेडो नहीं यूज़ करेंगे। सो इसलिए हम सिर्फ एक कॉरल कलर का एक आई शेडो यूज़ करेंगे अंडरनीथ द आई एरिया। उसके बाद आपने सीधा मस्कारा लगाना है जो कि मैं फॉरएवर 52 का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। यूज़ करेंगे अब हम मैक की सोर लिप पेंसिल जो कि बहुत ही प्रिटी शेड है जो है पिंक कलर का। और आप ये काफ़ी लोगों पे यूज़ कर सकते हो फ्रॉम फेयर स्किन टोन टिल डस्की स्किन टोन। तो काफ़ी सुंदर शेड है तो हम इसको ऑल ओवर द लिप्स लगाएंगे। रीज़न मैं इसको ऑल ओवर द लिप्स इसलिए लगाती हूँ ताकि ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहे। अब एक फ्लैट ब्रश से हम यूज़ करेंगे एनेस्थीसिया बेवरली हिल्स के दो शेड्स जो है हटसन एंड स्ट्रिप्ट। काफ़ी सुंदर कलर बन के आता है अगर आप दोनों को मिक्स करोगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर लग रहा है। अब हम थोड़ा सा हाइलाइटर लेंगे जो हम सिर्फ शार्पनेस ऑफ द फेस के लिए देंगे। वो हम नोज़ के टिप पे लगाएंगे, ब्रिज ऑफ द नोज लगाएंगे, थोड़ा सा चिन पे एंड थोड़ा सा एप्पल ऑफ द चीक्स पे। फाइनली लास्ट स्टेप हमारा आता है सेटिंग स्प्रे जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ शार्लेट टिलबरी का सेटिंग स्प्रे। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस सटल ग्लैम लुक क्रिएटेड बाय मी एंड आई होप टू सी यू गाइज सून ऑन माय चैनल। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टू सी मोर वीडियोज। लव यू गाइज एंड आई होप टू सी यू सून।